गुड इवनिंग सभी के लिए, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया है, केमिस्ट्री के 35 आईएमपी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे भाई जल्दी से आ जाइए, वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक और एक शेयर, जो कि आप नहीं करते हो मुझे पता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ शायद कर दोगे, बिकॉज आज का क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है। ठीक है भाई, गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख अनुप्रयोग मैंने आपको लिखाए थे, उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको क्या बताई थी कि विभिन्न धातुओं को उनके घटते हुए या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूँ तो मैंने बेटा कई एप्लीकेशंस लिखाए थे, जैसे एक था कि ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करते है। एक था हमारा कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है तो वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ऐसे ही मैंने 3-4 आपको इसके एप्लीकेशंस लिखाए थे, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने तैयार कर लिया है तो कमेंट करके बता दो, सर हमने तो बहुत पहले तैयार कर लिया था जब आपने इसको कराया था भाई। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो सभी बच्चे, अगर तैयार कर बैठे हो तो बताना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है राउल्ट का नियम लिखिए और इसका व्यंजक भी हमको यहां पर स्थापित करना है। तो आप सभी को पता है वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम पढ़ा चुका हूं, आपने तैयार कर भी लिया होगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P-PS/P विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बताओ पढ़े हो ना, जल्दी से बता दो भाई, विलय का मोल प्रभाज N/N+N, अगर हमारा विलयन अति तनु है तो वहां पर N+N की जगह पर हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल N। ओके, अगर हमारा विलयन अति तनु है मतलब उसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, उस कंडीशन की यहां पर बात की जा रही है। तो भाई ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी बच्चे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये विलय के मूल प्रभाज के कैसे है, बराबर है। अगर हमारा विलयन अति तनु है तो मैंने यहां पर आगे इसको और भी सॉल्व किया जाता है, तो ये 2, 3, 4, 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लेना। नहीं करोगे किसका नुकसान करने वाले हो, जल्दी से बताओ भाई, क्या आप मेरा नुकसान करोगे अपना करोगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, तैयार कर लेना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की आणविकता और क्रिया की कोटि में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा समझाना है भाई। ये 2024 में पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने अगर तैयार नहीं किया है तो बेटा इसको कर लेना। ठीक है, क्रिया की आणविकता और क्रिया की कोटि दो चीजें होती हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, तैयार कर लेना। क्रिया की कोटि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 3 प्रकार की आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, वैसे तृतीय कोटि भी है आपके सिलेबस में, तो बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक है अच्छे तरीके से, और जीरो ऑर्डर का, उनको ही आपको तैयार करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि हमें इसके लिए व्यंजक स्थापित करना भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित करना, जो कि निकल के आता है बेटा K=2.303/T log10A/A-x। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको तैयार कर लेना, अगर नहीं तैयार किए हो तो फिर बाद में मत कहना अरे सर आपने जो बोला था वो सब कुछ आया था, बट अफसोस सर हमने तैयार नहीं किया, तो गलती बड़ा किसकी होने वाली है, आप लोगों की, वहां पर आप हमें ब्लेम नहीं करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे ये है संक्रमण तत्व, अगर आपने दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ी है तो उसमें जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना हमारे, इसके
डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। और विद्युत रास सॉरी दीर्घाकार आवास सारणी में सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, फिर डी ब्लॉक के हैं और फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और नीचे 14-14 तत्वों की दो श्रेणियां हैं जिसमें एफ ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। और उसमें दो श्रेणियां बनती हैं, एक आपकी लैंथेनाइट श्रेणी कहलाती है और एक एक्टिनाइट श्रेणी कहलाती है। तो वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है, बट ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं और इसके जो प्रमुख गुण होते हैं वो हमसे पूछा गया है कि इसके प्रमुख गुणों का भी हमें यहाँ पर वर्णन करना है भाई। तो ये भी आप लोग स्किप करके मत जाना बेटा, ये भी पूछा जाने वाला है। ओके, फिर ये ना हो कि सर तैयार नहीं कर पाए थे, सर हमको टाइम नहीं मिला था। अगर आप डेली बेसिस पर 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन या ये तैयार करोगे ना, 2 से 3 करते हो, तो भाई 15 से 20 दिन में आप जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने कुछ लिखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आएंगे, वो आप तैयार कर पाओगे। देखो मेहनत तो बेटा करना पड़ेगा, आप कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, कितनी भी कोचिंग लगा लो, उसका फायदा नहीं होने वाला जब तक आप सेल्फ पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप 2 से 4 घंटे खुद को नहीं दोगे। अगर भाई मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जब तक आप खुद से घर पर नहीं पढ़ रहे हो क्या आपकी समझ में आने वाला है, आप खुद से कमेंट करके बताओ, तो जवाब आएगा नहीं आएगा भाई। तो घर पर आपको बेटा पढ़ना होगा, इस चीज को सभी बच्चे याद रखो, क्योंकि जब तक आप घर पर नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एफ ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है, जो हमारी दीर्घाकार आवास सारणी है, आवास सारणी के नीचे 14-14 तत्वों की दो श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया है, जिसमें एफ ब्लॉक के तत्व उपस्थित हैं। तो अगर आपसे कोई भी सुंदर सा प्राणी पूछे भाई एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो दीर्घाकार आवास सारणी में, या फिर कह सकते हो दीर्घाकार आवास सारणी के नीचे 14-14 तत्वों की दो श्रेणियां बनाई गई हैं, जहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है भाई। और इसकी बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका हमें यहां पर वर्णन करना है। लैंथेनाइट किसे कहते हैं, तो भाई मैंने जैसे बोला कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है, 14-14 तत्वों की दो श्रेणियां हैं, उसमें एक श्रेणी जो होती है जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स को रखा गया है, उसको लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, लैंथेनम के बाद के एलिमेंट्स हैं, सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से 71। तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको क्या कहा जाता है अगर आपसे कोई पूछेगा, तो उसको लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। और एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। तो जो हमारे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, उनको दो श्रेणियों में रखा गया है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लैंथेनाइड श्रेणी है, और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी हमारी कहलाती है। अब इसमें से कितने क्वेश्चंस भाई आपको आते हैं कमेंट कर दो, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो बेटा मेहनत करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन 2024 के लिए। उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए एक वर्नर सिद्धांत है, हमें उसकी व्याख्या करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। और देखो ये वाला जो चैप्टर है, यहां से जो जटिल यौगिक होते हैं ना उनके आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं ना, वो आईयूपीएसी लिखने के अलग रूल्स होते हैं और इनके आईयूपीएसी नेम लिखने के अलग रूल्स होते हैं। तो वो मैं आपको जब ये चैप्टर कराऊंगा ना, तब आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई से, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो आप सभी ने अभी तक, ज्यादातर बच्चों ने जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है भाई, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया, बिकॉज ऑर्गेनिक थोड़ी सी अपर लेवल है भाई। ठीक है, अगर आपने उसका रिविजन कर लिया तो आपका थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखनी है। तो आपने अगर इसको तैयार कर लिया बेटा तो अच्छी बात, नहीं करे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कराऊंगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, C2H5Br। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि प्रयोगशाला में अगर हमें एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो कैसे बनाते हैं भाई, अगर पता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम, आप थोड़ा कम पढ़ते हो यार, बट पढ़ा लिया करो, जरूरी है आपके लिए पढ़ना। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बेटा कैसे बनाते हैं, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं अगर पता है तो।
कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एथिल एल्कोहल KBr और सांद्र H2SO4 को गर्म करते हैं और क्या मिलता है, एथिल ब्रोमाइड। ये लैब मेथड है बेटा, जो हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हो पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, और इसके भी आपको भौतिक व रासायनिक गुण यहाँ पर तैयार करने हैं। देखो केमिकल रिएक्शन किसी भी टाइप से वो पूछ सकता है। अब मैंने आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के दो मेथड बताए थे लैब वाले, एक बताया था मैंने आपको एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, और एक मैंने बताया था एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना, राइट बच्चा पार्टी। तो विरंजक चूड़ के गाढ़े घोल को एथिल एल्कोहल या एसीटोन, दोनों में से किसी से भी आप क्रिया करा सकते हो, बट एक ही से करानी है। अगर आप एथिल एल्कोहल से करा रहे हो तब भी आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा, और अगर आप विरंजक चूड़ के गाढ़े घोल की क्रिया एसीटोन के साथ करा रहे हो तब भी आपको क्लोरोफॉर्म यहां पर मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप भाई ऊपर वाले से करा रहे हो नीचे वाले से कराओगे तो नहीं मिलेगा, ऐसी आपकी थिंकिंग है। बट आप किसी से भी करा लो, आपको यहां पर दोनों ही कंडीशंस में बेटा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होने वाला है। तो अगर हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसके लिए विरंजक चूड़ के गाढ़े घोल को एथिल एल्कोहल या एसीटोन के साथ गर्म करते हैं। ऐसा करने से बेटा हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी तैयार कर लेना, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन सीखना चाहते हो तो टेंशन ना लो, आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं रिएक्शन से रिलेटेड एंड न्यूमेरिकल से रिलेटेड। उसकी जैसा हमने पहले भी बोल चुके हैं कि आपके लिए हम एक सीरीज चलाएंगे, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रख लो फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई, तैयार कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया इसको। नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं, और ये अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इनकी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा भाई, कैसे ये बिहेव करती हैं रिएक्शंस, ठीक है, इनकी मैकेनिज्म। देखो आपके सिलेबस में मैकेनिज्म ज्यादा नहीं है, क्रियाविधि जिसको बोलते हैं, आपके सिलेबस में 2 से 4, 4 से 5 मान लो मैकेनिज्म अगर होंगी तो, लेकिन आगे जाके अगर आप स्टडी करते हो तो ज्यादातर आपको मैकेनिज्म ही देखने को मिलेंगी भाई, मतलब कोई क्रिया किस तरीके से हो रही है, दैट्स अ मैकेनिज्म, ठीक है, उसको मैकेनिज्म बोला जाता है, उसको क्रियाविधि हर पार्ट में होती है। मैं तो यहाँ पर एक पार्ट में दिखा देता हूँ क्रिया होगी, बट कैसे हुई वो सारी चीजें मैकेनिज्म में आपको समझाई जाते हैं भाई, ठीक है, इस चीज को सही बच्चे याद रखना। तो जल्दी से बताओ यहां तक बेटा कितने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हैं, 9, 10, 11, 12 जल्दी से कमेंट करें यहां तक कितने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए हो, अगर नहीं किए हो तो कर लेना बेटा, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, फिर बाद में तैयार करने से कोई फायदा नहीं है जब आप हाथ में मार्कशीट फेल वाली लेके बैठोगे, घर वाले डंडे से पीट रहे होंगे और आप रो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी भी 4 महीने का समय बचा हुआ है, 4 महीने अगर मेहनत कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो, बस इस चीज को याद रखना, ठीक है भाई। बस एक प्यारा सा चीज आपसे मांगते हैं यार, एक लाइक मांगते हैं, एक शेयर के लिए बोलते हैं, जल्दी से 200+ लाइक कर दो यार, इतने तो गधे बेकार बच्चे नहीं हो यार, अच्छे बच्चे हो, बातें माना करो, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सारी चीजें बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट है एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया, मतलब जल जो निकलता है इसकी मैकेनिज्म को हमें स्टेप वाइज अच्छे से समझाना है। ये भी क्वेश्चन बेटा 2 से 3 बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर लिखा रहा हूं अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो विद सॉल्यूशन भी करा देंगे, और जो पेड बच्चे उनको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, इन्हें पेड पढ़ा दे तो अच्छी बात है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन करना है, और इसके भी हमें पीपी एंड सीपी यहां पर लिखने हैं, ठीक है, भौतिक गुण व रासायनिक गुण, ये भी एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। तो आप सभी को पता है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक लोहे के बड़े से पात्र में, जिसको रिटार्ड करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, ऐसा करने से उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पाइरोलिग्नियस अम्ल, क्या होता है बच्चों, पाइरोलिग्नियस अम्ल, जिसमें 8 से 10% एसिटिक एसिड, 2 से 3% मेथिल एल्कोहल और 1 से 2% एसीटोन होता है। तो उस पाइरोलिग्नियस अम्ल से हम लोग क्या बनाते हैं, मेथिल एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। शीरे से या फिर स्टार से, दोनों में से किसी से ही पूछ सकता है। एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, और इसके भी हमें पीपी एंड सीपी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। देखो जो बच्चे रिएक्शन में अच्छा होना चाहते हैं तो मैं उनसे एक ही सलाह दूंगा बेटा, रिएक्शन एक दिन में नहीं सीखी जाती, धीरे धीरे करके सीखी जाती हैं, और किसी रिएक्शन को करने का कोई तरीका भी नहीं होता,
प्रैक्टिस 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 एक सिंगल तरीका है जो आपको रिएक्शन में माहिर बना सकता है। आप कितनी भी रिएक्शन ट्राई कर लें, बहुत सारे टाइप की रिएक्शन होती हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक, नेम रिएक्शंस, कोई भी समझ नहीं आएगी जब तक आपने कॉन्सेप्ट को रिएक्शंस वाला क्लियर नहीं कर रखा है। केमिकल फॉर्मूला भाई आपको याद नहीं है और आप सोच रहे हो सर हमें रिएक्शन सिखा दो, अरे भाई आपको ये नहीं पता कि फॉर्मेल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और आप रिएक्शन सीखने चले हो, भाई कहां से सीख पाओगे? अगर आपको एबीसीडी नहीं आ रही होती तो क्या आप नाम लिखना जानते हैं अंग्रेजी में? आपका जवाब आएगा अरे सर हम तो ग्रेड आदमी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, भाई हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हर सब कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का वर्णन, और इसकी भी हमें वही पीपी एंड सीपी, ओके, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आते, बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको बोल रहा हूं कि पीपी भी आप लोग तैयार कर लेना यार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आएंगे नहीं वैसे टेंशन ना लो, जितना बताया जा रहा है उतना तैयार करते जाओ आप लोग। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में डाई एथिलीथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, ठीक है करा चुका हूं सभी को, और इसके भी आप पीपी एंड सीपी तैयार अच्छे तरीके से कर लेना। ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये 5 में पूछा जाता है, ये भी 5 में बनेगा, ये भी 5 में बनेगा, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं भाई। वैसे तो मैंने यहां पर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐड किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको आप स्किप करके नहीं जा सकते हो, तैयार करना पड़ेगा। और देख लेना आपको कितने तैयार हैं, डेली बेसिस पर एक टारगेट बनाओ 2 से 3 क्वेश्चंस का भी, बट रिएक्शन आपको सारी की सारी सीखनी है। अभी आपका जहां से भी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो वहां से क्वेश्चंस देखिए, जैसे एथिल ब्रोमाइड को तैयार करिए, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर आपका लकड़ी का बंजर कासन, एथिल अल्कोहल, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके तैयार करो यार, एक दिन में तो नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका कमेंट करके बताओ, HCHO, और इसकी भी आपको पीपी एंड सीपी तैयार करनी है, जो कि मैं आपको करा चुका हूं अभी कुछ टाइम पहले ही कराया है, कराया ना भाई ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों CH3CHO, और इसके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो बच्चे ये चैप्टर अच्छे तरीके से देखे हैं, मैंने आपको क्या बोला था, आप फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन तीनों की रिएक्शंस मैंने आपको एक ही टाइप की बताई थी भाई, अगर आपको याद है तो, अंतर नहीं था ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में एसीटोन, फॉर्मूला क्या होता है CH3COCH3, इसको बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, और इसके लिए भी पीपी एंड सीपी, ये आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई HCEOH, और इसको बनाने के भी पीपी एंड सीपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जब तक आप केमिकल फॉर्मूला याद नहीं करोगे आपकी समझ में बेटा रिएक्शंस नहीं आने वाली हैं, ये आप सभी बच्चे कान खोल के सुन लो, ठीक है भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमें ऐसा कोई ट्रिक बता दो या कोई जड़ी बूटी दे दो कि सर हमें ज्यादा पढ़ना ना पड़े और हमें रिएक्शन तैयार हो जाए, तो बेटा आई एम नॉट गॉड, आई एम ओनली टीचर, ये तो भगवान ही कर सकते हैं, भगवान की लीला है कि आपको सद्बुद्धि दे दें थोड़ी सी, जिससे कि आपका थोड़ा सा भला हो जाए एग्जाम में जाके, बट आप मेहनत करोगे तभी होने वाला है। आप कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, कोई भी फायदा नहीं होगा, कितनी भी ट्रिक्स टिप्स देख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, मेहनत आपको करनी है। हम लोग एक मार्गदर्शक हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट है बेटा प्रयोगशाला में एथिल एमीन C2H5NH2, और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। और आपका जो एमीन वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा देखो अभी मेरे डैडी की जो तबीयत है ज़्यादा खराब चल रही है, तो ऑपरेशन के चक्कर में इधर उधर हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा अटका हुआ है, ठीक है, और उनका ऑपरेशन मुझे कराना पड़ेगा बिकॉज उन्हें दिक्कत ज़्यादा हो रही है पेट में, इसी वजह से। तो ज़्यादा कमेंट ना किया करो, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस का टाइम आप देख रहे हो कभी 4 से 5 से हो रही हैं, एक दो दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा पूरी तरह से, फिर आई मीन क्या सारे मैंने मैराथन वाले थंबनेल बनवा लिए हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अपने कंटेंट क्रिएटर से, तो 1x1 हम सारी चीज़ें खत्म करने वाले हैं ना अक्टूबर, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो यार, मैं भी थोड़ा सा कहते ना, अगर कोई इंसान अगर आपके घर में जिस कोई भी हो यार, आपका फैमिली मेम्बर अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो यार, ये सच्चाई है। आप कोई काम करने की कोशिश करते हो मन नहीं लगता उसमें, अब आप मेरे से बोलते हो सर 8 बजे से लगातार पढ़ाओ, भाई नहीं होता है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो, सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो, इन अक्टूबर आपको सारी चीज़ें करा दी जाएंगी जो हमने बोला है,
ठीक है, सिलेबस नवंबर लास्ट होना है तो होना है, वो हम कैसे कराएं, कितने घंटे पढ़ाएं, 12 घंटे 10 घंटे कैसे भी पढ़ाएं, भाई आपका सिलेबस इन नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है यार, और कुछ नहीं है जिंदगी में, कहते ना दिक्कतें आती रहती हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर इंसान सुखी जीवन जीता रहे, तुम्हारा अंग्रेजी भी बढ़िया करवा देंगे, इतना भरोसा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणियां, इंपॉर्टेंट है भाई। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, एमीन, और स्मिट अभिक्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, एमीन। आई थिंक पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हेल वोलहार्ट जेलेंसकी की अभिक्रिया और रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया, ये क्या कहलाती है जानते हो ना, ये नेम रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। एमीन किसे कहते हैं, और प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों को एक एक उदाहरण देकर हमको समझाना है। शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल, देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3COOH, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है। बताइए कितने बच्चों ने इसको तैयार कर लिया भाई, शीघ्र सिरका विधि द्वारा हम एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा बेटा, और इसके भी आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तैयार कर लेना, और सभी बच्चे काउंट करते जाओ कि आपको अब तक कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। नहीं आते उनको तैयार करो भाई, टाइम है आपके पास, मेहनत में लग जाओ बेटा, आपके पास केवल 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, और 4 महीना आप ज्यादा टाइम मत समझो कि 4 महीना बहुत होता है, मैं आसानी से पढ़ लूंगा, मैं तैयार कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं होने वाला, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, टाइम देना पड़ेगा खुद को। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड एवं एस्टेल्डिहाइड में अंतर, इसका फॉर्मूला SCHO, इसका CH3CHO। फिनोल की जो प्रकृति अम्लीय होती है उसको स्पष्ट करना है, तो इसमें देखिए आपको कितने सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं, नहीं आते उनको तैयार करो। ओके नेक्स्ट, लिकोस परीक्षण क्या है, इसके द्वारा हम लोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करेंगे। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, इसको विस्तार से मैं समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना सुन लेना। प्रोटीन के बारे में सचित्र वर्णन करना भाई, विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आपको। ग्लूकोज बनाने की विधियां और इसके जो गुण होते हैं वो हमको समझाने भाई। तो ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ना बेटा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देखेगा जो एग्जाम में पूछा ना गया हो, हर क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है। तो आप लोग देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, लास्ट 35 क्वेश्चन है, तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, मेहनत करना पड़ेगा, बट ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों से भाई। ओके बताइए कितने क्वेश्चंस आपको इनमें से तैयार हैं, जो बच्चे जानते हैं कमेंट करके बता दो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ी सी एडजस्ट कर लो। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट वाला आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, अगर आप लोग कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। ओके ट्राई करने में क्या जाता है यार, ट्राई तो कर सकते हो ना। चलिए ज्यादा टिपिकल नहीं देंगे, टेंशन ना लो। C2H5Br प्लस एल्कोहली KOH, अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है। तो ये वीडियो बच्चों हम यहीं पर खत्म करेंगे, इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कमेंट करके बताना कि सर हमें इतने क्वेश्चंस आते हैं, सभी बच्चों कमेंट करना जितने भी लाइव हो, और जो बच्चे लाइक करने में कंजूसी करते हैं लाइक कर दिया करो यार, लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो, ठीक है बच्चा बाड़ी, टाटा बाय बाय, टेक केयर।